Baby, I love you so much, baby. Oh, I love you so much as well, baby. No, baby, you don't get it. I love you so much कि कभी कभी मुझे लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा, like I get breathless. जी, मेरे साथ भी ऐसा होता है. I love you so much that I can't breathe. ओ भाई, आप दोनों को सांस प्यार की वजह से नहीं, poor air quality की वजह से नहीं आ रहा. Climate change is real, okay? ये वीडियो एक ऐसे इशू के बारे में है जो हम सबको इम्पैक्ट करेगा या एक्चुअली ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रहा है. ज्यारत के इलाकों में दो डैम टूट गए. पशीन में खानुजई डैम टूट गया, मस्तूंग में भी डैम टूट गया, कई आबादियां डूब गईं. ये वाला जो फ्लड है ना, इससे पहले मतलब हमने कभी न सुना था न देखा था. और वो है क्लाइमेट चेंज. और हमें पता है कि इस इशू को लेके काफी ज्यादा एंजाइटी है, होपलेसनेस है और कंफ्यूजन है, लेकिन हम अभी भी आपको बताना चाहते हैं कि देर नहीं हुई है. और देर होने का ये मतलब नहीं है कि हम क्लाइमेट चेंज के असरात को बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज वो सच नहीं है एंड हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते हैं. देर ना होने से हमारी मुराद ये है कि अगर हम सब लोग बहुत जल्दी इस इशू को समझें, सीरियसली लें और अपनी हुकूमतों पे प्रेशर डालें कि वो अपना टाइम और पैसा क्लाइमेट चेंज से डील करने पे लगाए, तो शायद हम इसके इम्पैक्ट से एक तो अडेप्ट कर सकेंगे और इसको और बदतर होने से बचा सकेंगे. और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, तो मैं ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में हम लोग एनुअली क्लाइमेट चेंज की वजह से $3.8 बिलियन लूज कर रहे हैं. अगर आप हमें पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं तो वेलकम टू मार्टी टीवी. हम एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एंड हम एक कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस इश्यूज, मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों के बारे में यंग नौजवानों के साथ गुफ्तगू करें. एंड वी आर अ सेफ स्पेस जहां हम बिलीव करते हैं कि क्रिटिकल डिस्कोर्स होनी चाहिए. सो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे कॉन्टेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. Press the bell icon on the YouTube app so you can get updates from Mati TV. एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्शन दी है कि 2030 तक ये बात लाजमी है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे. ठीक है, ये वो नुकसान है जिसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, बट अगर हम मिल के काम करें लाइक दुनिया में, नॉट जस्ट डोमेस्टिकली बट ग्लोबली एज वेल, तो तब शायद हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा ना होने दें. जस्ट टू गिव यू सम रेफरेंस के जब 3 पे पहुंच जाएगा ना, दैट्स लाइक अ डूम्सडे सिनेरियो, जब हमारे लिए हम नहीं रह सकेंगे उस टेम्परेचर. अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है, बिकॉज़ हम दो खवातीन हैं, तो एक्सपर्ट से सुन लें. हाँ, तो जो अभी टारगेट है हमारा कि अपनी इंडस्ट्रीज अपने आप को नेट जीरो पे लेके जाएं, अपनी इमिशंस को कम करें, ग्लोबली भी लोग कमिट करें कि इतने, इवन इफ वी मेक दैट ट्रेजेक्टरी वी विल स्टिल हैव अ टेम्परेचर वार्मिंग ऑफ मोर देन 1.5 डिग्रीज बाय 2030. ठीक है, तो हम अभी भी जो है एवरेज टेम्परेचर जो ग्लोबल है वो हिट कर जाएंगे अगले 9 सालों के अंदर, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका. पाकिस्तान में आखिरी सेंचुरी में 0.6 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर हमारा भरा है. कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर गया. ठीक है, नवाबशाह आ जाता है, जैकबाबाद आ जाता है, सिब्बी आता है, दलबदीन आता है, तुर्बत आता है. एग्जैक्टली, सो ये काफी एरियाज हैं जहाँ पे आप एविडेंटली देख सकते हैं, और एरियाज में भी जितना आपका नॉर्मल समर्स का टेम्परेचर होता था उससे ज्यादा फर्क तो आया. और आप ये इमेजिन कर ले कि ये हीट वेव्स एक ऐसे मुल्क में हो रही है जहाँ 21.9% लोग पावर्टी लाइन के बिलो हैं. सो जनरली उनके पास वो सहूलत, उनके पास एयर कंडीशनिंग नहीं है, उनके पास बिजली नहीं है, जिनके हीट वेव से नए मसाइल पैदा हो जाएंगे, जिसमें आपके पास आ जाता है डिहाइड्रेशन के मसले, हीट स्ट्रोक के मसले, इसके साथ साथ पानी की मजीद कमी हो सकती है. नॉट टू मेंशन इन हीट वेव्स की आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, आपकी जो फूड प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस की. और इस पर हमने एक और वीडियो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट निमाल ने बनाई थी, जो आपको कहीं ना कहीं हम दिखा देंगे. हमारे क्रॉप्स को सर्टेन टेम्परेचर एक सर्टेन टाइम पे जरूरी होती है,
और ये बहुत बहुत जल्दी आया है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, इकोनॉमी अगेन जो मैंने बात बोली थी 3.8 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है, वो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला के हो रहा है। वो एरियाज जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से, लोग वहाँ रह तो नहीं सकते क्योंकि स्टेट भी उनको कुछ प्रोवाइड तो नहीं कर रही है, सो देयर गोना माइग्रेट टू सिटीज़। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे जिससे सैलाब का खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एग्जैक्टली, और हम इसी को आगे जाके अनपैक भी करने लगे हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए और डिप्रेस होते रहिए। पाकिस्तान रैंक्स 14 आउट ऑफ द 17 इन द एक्सट्रीमली हाई वाटर रिस्क कंट्रीज। और एक बहुत ही खौफनाक बात जो अलीना की रिसर्च में मुझे पता चली है कि हम अपने मुल्क का 1/3 वाटर वेस्ट कर रहे हैं। Yay, we're so cool. गाइज, हमारे जोक्स को सीरियसली नहीं लिएगा क्योंकि ये लेजिटिमेटली एक कोपिंग मैकेनिज्म, इट्स अ वे वी डील विद स्टफ दैट इज बिल्कुल। तो जो हमारे मुल्क में 1962 में जो वाटर कैपेसिटी थी पर इनहैबिटेंट, वो ये थी कि आपके पास 5229 क्यूबिक मीटर्स पर इनहैबिटेंट वाटर मौजूद था। 2017 में जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि पर इनहैबिटेंट जो पानी अब बच गया है वो 1187 क्यूबिक मीटर्स पर इनहैबिटेंट है। सो वी आर लूजिंग वाटर ग्रेटली। एंड जस्ट टू सॉर्ट ऑफ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए, होता ही एसेंशली हीट वेव से कि वो पानी जो आपके एसेंशली डाउन ट्रैवल करता है ना, दैट्स हाउ आर कंट्रीज ऑल्सो शेप। सो वी आर गेटिंग वाटर्स अप टू, फिर नीचे आता है पाकिस्तान में टूवर्ड्स सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सारा ऊपर से आ रहा है। सो बाय द टाइम वो इन जगहों पे आता है, क्योंकि हीट वेव ज़्यादा है तो वो एवेपोरेट हो जाता है। सो हमारी कैपेसिटी बिल्कुल कम हो गई, और ऑलरेडी हम लोग क्योंकि पानी बचा नहीं रहे हैं तो हमारी सिचुएशन काफ़ी बैड। और हीट वेव्स की वजह से जो ग्लेशियर का पानी वो जल्दी मेल्ट भी हो रहा है, तो सैलाब भी इसलिए आ रहे हैं। जिन फसलों का जिनका इरीगेशन पीरियड जो नेचुरली आ जाता था वो चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं ना। तो एक प्रोजेक्टेड था कि 2022 तक हमारी इरीगेशन वाटर में 22% शॉर्टेज होएगी ऑफ वाटर जो हम इरीगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शॉर्टेज 22% नहीं, 38% है। तो क्योंकि अर्बन प्लानिंग मौजूद नहीं है, तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, सैलाब आते हैं, तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स बह जाते हैं, विच इज़ व्हाट एसेंशियली यू आर सीइंग अक्रॉस पाकिस्तान। इसके अलावा क्योंकि वेदर पैटर्न्स चेंज हुए, हीट वेव ज़्यादा हुई है, तो जो हमारा मेजर क्रॉप्स का सोइंग पैटर्न था ना, वो भी चेंज हो गया, जिसमें आपके पास क्रॉप्स आ जाती हैं लाइक कॉटन, मेज़, शुगर केन आ जाती है। एक रिसेंट मीडिया ब्रीफिंग में हमारी मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज शहीर रहमान ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान में लैक ऑफ इरीगेशन वाटर, हीट वेव्स की वजह से मैंगो की प्रोडक्शन 50% डिक्रीज हो चुकी है। Can you imagine कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? And on that note, उसामा आम खाएगा? Anyways, coming back to the issue of water, पानी का मसला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बात अब आम हो चुकी है। एनीवेज, ये बात आम हो चुकी है कि अगली जंग अजीम, थर्ड वर्ल्ड वॉर, वाटर की इश्यूज पे ही होनी है, बिकॉज वाटर स्केर्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में जो पानी को वेस्ट कर रही हैं। एग्जैक्टली, अब आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा पानी है जो इंडस्ट्री या कमर्शियल एंटिटीज़ भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस वक्त ट्रेंड ये है कि स्पेशली जो वाटर को लेकर जो हमारी इंडस्ट्री जो कमर्शियल पर्पजेज के लिए उस वाटर को इस्तेमाल कर रही है, वो रेट्स दे रही है वाटर के जो आप और मैं घर में देते हैं। सो दे आर नॉट पेइंग एनी कमर्शियल रेट फॉर दैट वाटर, विच मीन उनको पानी इंतहाई सस्ता, ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा होता है। और जब कोई चीज़ फ्री होती है तो आप उसकी अहमियत कम करते हो। एंड कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिस तरह की सीमेंट इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट फैक्ट्रीज की स्टोरी है ये, डंडोत सीमेंट फैक्ट्री है, गरीबबाल सीमेंट फैक्ट्री और बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री है। यू गाइस शुड बी प्राउड फॉर नेमिंग यू, बट प्लीज डोंट सू अस, नहीं है लॉयर मेरे पास। 2020 में क्या कहते हैं, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट टुक अप दिस इशू, और उन्होंने उनको कहा था कि एसेंशली इनको रोका गया था कि ग्राउंड वाटर ना इस्तेमाल करें, बट वो ग्राउंड वाटर खुद बोर करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया, देन पैसे शैसे भी इनको काके दो। और एक और एग्जांपल, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कंपनीज को फाइनली 2019 में ऑर्डर दे दिया कि खुदा के वास्ते आप हमारा पानी निकालना बंद कर दें विदाउट पेइंग अ टैक्स। अब क्लाइमेट चेंज के एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो फ्लडिंग से रिलेटेड है। जो भी आपके वेदर कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम हो जाएंगे, जिसकी एक एग्जांपल है मॉनसून के सीज़न की, उसमें बारिशें ज़्यादा इंटेंस होंगी जो पाकिस्तान में हम अभी देख रहे हैं। कई हफ्तों से जारी बारिशों और बिपरे दरियाओं की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त जेरे आब है। ज़िला दादू में, ज़िला जामशोरों में और लाड़काना के कुछ इलाकों में हम गए, जहाँ जाते हैं वहाँ
हर तरफ पानी ही पानी है। हम लोग इन चैलेंजेस से डील करने के लिए तैयार नहीं है। आपको फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो ड्रिंकिंग पानी मौजूद भी है, वो भी कंटेमिनेटेड है। अच्छा, और ये भी बात बता चलें कि पाकिस्तान ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की रैंकिंग में 122 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान 80 नंबर पे है। सो दैट्स बैड। 2020 में क्लाइमेट माइग्रेंट्स, यानी वो लोग जिनको माइग्रेट करना पड़ रहा है, जिनको मूव करना पड़ रहा है क्लाइमेट की वजह से, उनका नंबर था 680,000 लोग। और एस्टिमेटेड है कि 2050 में पाकिस्तान में 20 लाख लोग विल हैव टू मूव बिकॉज ऑफ या तो पानी की किल्लत होगी, या तो हीट वेव्स होंगी, या कोई नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। सो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे। क्लाइमेट चेंज की बात हो और पोल्यूशन की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, गंद तो साफ करना पड़ेगा, अपना भी और दूसरों का भी। क्या मतलब? पाकिस्तान इज इम्पोर्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट फ्राम कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम, UAE एंड सऊदी अरेबिया। नहीं, लिजिटमेटली लाइक UK से हम कुछ 40,000 टन गंद हर साल इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसका हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमने उसको रिसाइकल या जैसे भी। पाकिस्तान दुनिया की फोर्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री मिल गया हमें, खिताब मुबारक हो सबको। और यहाँ की हवा इतनी आलूदा है कि जहाँ जो लोग यहाँ पर रहते हैं, एस्टिमेटेड है कि उनकी ज़िंदगी के 4.3 ईयर्स कम हो सकते। इट इज ओके। एनीवेज, या सो स्मॉग हमारा एसेंशियली पांचवा सीजन बन गया है। पांचवा तो मैं नहीं कहूंगी, स्प्रिंग तो चला ही गया, वो हफ्ते का था, तो शायद टेक्निकली ये चौथा हो गया। तो स्मॉग इज द फोर्थ सीजन। और ये जो हमारा स्मॉग और पोल्यूशन, पर्टिकुलरली स्मॉग का जो प्रॉब्लम है, 2013 से चलता आ रहा है। सो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पहुंच गए हैं हम, एंड वी रियली डोंट हैव एनी लेजिटिमेट यू नो सॉल्यूशंस के स्मॉग को हम किस तरह डील किया जाए, या उसको समझना भी कैसे है। हमें मिटिगेशन शुरू, तो हमें तो अभी तक अडेप्टेशन नहीं समझ आ रही स्मॉग को लेके। एंड अनदर रियली पॉपुलर गिमे की एक तरह से मैं कहूँगी हुकूमतों का बन जाता है, इज द होल प्लांटिंग ट्रीज, द बिलियन ट्री सुनामी। नाउ इसमें दो चीज़ें, एक तो है ऑफकोर्स प्लांटिंग ट्रीज इज अ ग्रेट वे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, लेकिन दिस इज द बेयर मिनिमम, सबसे बेसिक लेवल की चीज़ है ट्रीज को यू नो प्लांट करना। लेकिन ये इतना सा भी डेंट नहीं करेगा एज कम्पेयर टू जो हमें एक्चुअली करने की ज़रूरत है। और उसमें मेजर चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपनी बजटिंग कहाँ लगा रहे हो, आप पैसे कहाँ लगा रहे हो, आप टैक्स किसको कर रहे हो। मेजर पॉलिटिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ बना सकें। अगर बिलियन ट्री सुनामी कोई लगा गया तो उसको कंटिन्यू कौन कर रहा है? वी आर डन विद के एक हुकूमत आई है, उसने पिछले वाले का काम ख़राब कर दिया है। सो वी डोंट वॉन्ट कि इनकन्सिस्टेंसी हो, क्योंकि अगर इनकन्सिस्टेंसी होगी तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान नहीं बचेगा। बिल्कुल, बिकॉज ये वो एक ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है कि इस पर आर्ग्यू हो सके कि जी PTI ने ज्यादा काम किया है क्लाइमेट के लिए, PPP ने ज्यादा काम किया है, या PMLU ने ज्यादा किया है। इट्स नॉट अबाउट दैट। फाइनली कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत डिप्रेस हो लिया हमने। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ऑफ कोर्स ये मेरे साथ भी होता है, और जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो क्लाइमेट चेंज के हमें वेल अवेयर हैं, कि एक एक्सट्रीम एक सिनिकल मोमेंट आती है कि आपको लगता है तो सब बर्बाद होने वाला है, फ़ायदा है क्या है। लेकिन अगेन वी हैव टू कीप टेलिंग आवरसेल्फ्स कि अभी भी काफ़ी मेजर्स लेके चीज़ें हमारी बेहतर हो रही हैं। जैसे कर्कज़ार्ड की वीडियो अबाउट दिस एज वेल, जो हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको देंगे। सोल्यूशंस दो तरीके के हैं, तो जब भी कोई मसला आता है कुछ होते हैं इमीडिएट सोल्यूशंस, जिसमें हम बात करेंगे अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन को उर्दू में कहते हैं मवाफकत, और दूसरा हम कहते हैं मिटिगेशन। किसी भी मसले को ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, मिटिगेशन को उर्दू में कहते हैं तख़फीफ, और ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एनी बडी कैन डू इज़ कि सबसे पहले अपने आप को अवेयर करें, और जो चीज़ खुद पता चल गई है वो लोगों के साथ शेयर करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आप और लोगों को भी भेज सकते हैं। और सो दूसरी चीज़ जो आप पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, अगेन आई वुड से कि अपने लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराएं, देखें कि उनके मंशूर में ये क्लाइमेट पे कितनी ज़्यादा बात की जा रही है। कुछ जो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप शायद ऑलरेडी कर रहे होंगे, जो आपने बहुत सुने लोगों के बारे में बात करते हो, सर क्विकली गो ओवर देम। यू नो, वन टाइम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दें, शॉपर बैग्स वगैरह ना लेके जाएँ, क्लॉथ बैग्स यूज़ करें, चीज़ें ज़्यादा खरीदें ना। एक्चुअली यू नो आई टॉक्ट अबाउट दिस, ओवर कंजम्पशन से अपने आप को रोकें, डोंट बाय थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ बाइंग। गाड़ी कारपूल करें, यानी एक ही गाड़ी सब लोग अपनी अपनी, अब तो वैसे है पेट्रोल की जो सिचुएशन है आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, सो दैट्स समथिंग गुड दैट हैपेंड, आई नॉट रियली। एग्जैक्टली, अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो स्टेट लेवल पर हो सकती हैं।
सो द फर्स्ट थिंग आई थिंक पाकिस्तान में ज़रूरत है एक एक्टिव क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की. मेरा ओपिनियन तो ये है कि पिछले कुछ अर्से में मैंने जितना भी काम देखा है वो काफ़ी सतह तौर पर, ऑल दो जो क्लाइमेट की आपने इस वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना ज़्यादा डीपली एंट्रेंच्ड मसला है, और इसको अगर हमने एज अ क्राइसिस नहीं लिया है तो फिर और नुकसान हो जाएगा. सो वी नीड एन एक्टिव क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो कि ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, हमें फेडरल का प्रोविंशियल लेवल के साथ हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, बल्कि वी आल्सो नीड फेडरल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द ग्लोब. और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ, विच इज़ कार्बन टैक्स. डिफरेंट ममालिक के पास एक कार्बन कैप होगी जो जिसको वो वायलेट नहीं कर सकते, कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट इतना रख सकते हैं, उससे ज़्यादा किया तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. और जब वो टैक्स उनको पे करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है ऑफकोर्स कि वो टैक्स कोई हम नहीं पे करना चाहते. सो द मोटिवेशन टू अवॉइड पेइंग टैक्स विल इनकरेज पीपल कि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें बाय यू नो डिफरेंट पॉलिसीज और इनोवेशंस के साथ. और उसमें ये भी चीज़ है कि जो ममालिक पाकिस्तान की तरह जिनका कार्बन फुटप्रिंट एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, एक तो ये बहुत एक हमारे लिए सैड बात यह है पाकिस्तान के लिए कि इतना हम एक्चुअली क्लाइमेट ग्रीन हाउस गैसेस पे कंट्रीब्यूट नहीं करते जितना हमें नुकसान हो रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इज एन अनफेयर प्रॉब्लम. जिन इकोनॉमीज ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लिया इन कॉजिंग द क्लाइमेट क्राइसिस, उनको ज़्यादा अकाउंटेबल भी होल्ड करना पड़ेगा, विच हेंस द कार्बन टैक्स. तो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिनका कार्बन सीलिंग वो रीच नहीं करेंगे, कुछ हम इतना प्रोडक्शन ही नहीं करते, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो अपना कार्बन टैक्स किसी और मुल्क को बेचते हैं. उससे फ़ायदा ही होगा कि वो चीज़ें इवन आउट हो जाएंगी, ग्लोबली हमारी कार्बन एमिशन फिर भी रिड्यूस रहेंगी इफ़ वी फॉलो दिस. एंड ऑल्सो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिनको ऑलरेडी पैसों के मसले होते हैं, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं, थिंक दैट्स ऑलवेज और वो हम क्लाइमेट रिसोर्सेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो कार्बन टैक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ऑब्वियसली भी परफेक्टली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, बट दिस इज अ मॉडल दैट एटलीस्ट वी कैन लुक एट, ठीक है ना. और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे. आई थिंक द टैक्स नीड्स टू बी सिग्निफिकेंट इनफ फॉर पीपल टू इवन फील थ्रेटन्ड अबाउट इट, बिकॉज अगर आपका इतना सा टैक्स है कि आप पैसे देंगे तो आप पैसे दे के निकल ही जाओगे. अच्छा, एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है. वी हैव इंडस्ट्री जो क्लाइमेट क्राइसिस में ऐड करी होती है. हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल एटलीस्ट अराउंड एरियाज लाइक लाहौर जो स्मॉग कॉज करे थे, वो ब्रिक किलन्स की ब्रिक्स की प्रोडक्शन होती है, सही है. सो वी वांट के हुकूमत ना सिर्फ उस इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे कि वो मॉडर्नाइज करें, बल्कि फैसिलिटेट करें. यानी हम उन चीज़ों पे टैक्स लगाएं जो ज़्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और हम उन चीज़ों पे सब्सिडीज प्रोवाइड करें जो इनकरेज कर रही हैं अडेप्टेशन और मिटिगेशन. फॉर एग्जाम्पल सोलर पैनल्स पे सब्सिडीज होनी चाहिए. एंड वी नीड टू हैव अवेयरनेस कैंपेन्स जो आप हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आपके नेशनल टेलीविजन पे आपके निसाब में बातें शामिल हो. दीज आर फिनोमेनास दैट everyone needs to be aware of. Please make this your life's mission to talk about this, because we really have to. Obviously this is something happening at global level, और बहुत ममालिक में different लोग कर भी रहे हैं, तो हमें और लोगों ने जो innovative strategies अपनाई हैं, हमें उनके साथ collaborate और communication करने की ज़रूरत है. Very interesting example we found कि Tunisia में एक नौजवान ने एक solar machine बनाई है जो हवा के पानी से नहीं जो हवा से पानी बनाती है. I mean अरे ऐसा इसमें cumulus الهدف تاعها اللي تصنع لك الماء صالح للشرب من طاقة شمسية وملهوية. المبدأ اللي احنا نعاودو ونكررو الفينومين دو لاغوزي. I feel like consumerism, mass production and or capitalist ideology को भी rethink करना पड़ेगा to move towards sustained living, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं होंगे और ये दुनिया ही नहीं होगी तो फिर आप अपनी ideology किधर लेके जाएंगे. So guys, ये हमारी छोटी सी cute सी दुनिया है and we need to take care of this. Exactly. It doesn't have much. Can you imagine like 20 साल और हैं, 20 साल में अगर हमने कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया तो साइंटिस्ट से वी माइट जस्ट बी डन. एंड वुड यू लाइक दैट फॉर योरसेल्फ. एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आई होप कि आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत मज़ा आया होगा. अगर नहीं, एंड इफ़ यू गाइज फील वेरी डिप्रेस्ड एंड यू नीड टू टॉक टू समवन, रीच आउट टू अस प्लीज. वी वॉन्ट टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज. वी वॉन्ट टू सी हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं. आपके पास कुछ सोल्यूशन हैं, शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस इंफॉर्मेशन को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचाना बल्कि अपने लीडर्स तक पहुंचाना. इलेक्शंस आ रहे हैं, प्लीज़ एग्जैक्टली. या सो ये हमारी छोटी सी हम्बल सी कोशिश थी टीच यू अबाउट क्लाइमेट चेंज. आई होप आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं हुई है. अगर हुई भी है तो इट्स फाइन, बिकॉज टेक अ डीप ब्रेथ एंड नो दैट वी आर टुगेदर. हम सब फक्ड हैं अगर हम
कुछ भी नहीं करते हैं, बट हम कर सकते हैं, तो डरना नहीं है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। घबराना मना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।